इसमें लगभग 15 से 20 किसान परेशान हैं। और ये जो डैम राजगढ़ भाम डैम जो बना हुआ है, ये पाल का पूरा सीपेज पानी आ रहा है, तो इसमें जो पीछे जो बैक साइड 1000-1500 फीट के आसपास जो पूरी ज़मीन है, पूरा सीपेज का पानी इसमें आ गया है और पूरी फसल ख़राब हो गई है। अभी ये स्थिति है कि उसमें अभी खाली अपन घुस नहीं सकते, तो फसल निकालना तो दूर की बात है। और अभी ऐसे ही अगर रहा, अभी इसमें से बह रहा है पानी, मोटर जैसे चलती इस प्रकार से पूरा पानी बेगा इसका अपना सीपेज वाला बह रहा है इसमें। इसमें 181 पे भी कंप्लेंट करी किसानों ने, उसके बाद में जन सुनवाई में भी गए, दो बार की गई, दो तीन बार जन सुनवाई में गए, फिर विभाग को भी इसको इस बारे में अवगत करा दिया है। कंपनी को भी पिछले साल भी बोला था, पिछले साल भी ये कंडीशन थी, बाकी उन्होंने वो साइड से नाली वाली खोद के ना पानी निकाल दिया था, बोले हो जाएगा। अब इस बार थोड़ा सा लेवल उन्होंने ज़्यादा भरा है, तो इस कारण और उससे पिछले साल से भी ज़्यादा समस्या इस बार आ रही है। चार गुना हो गई, चार गुना, मतलब पिछली बार तो ये मान के चलो कि आधा खेत कम से कम खाली था, आधे में ही सीपेज था, इस बार तो पूरा रकबा खाली हो गया है, पूरा पानी भरा हुआ है। आगामी में अभी अगर जब तक पानी नहीं उसमें कम होगा, जैसे गर्मी में पिछली बार मार्च अप्रैल के बाद में ऐसा हुआ था कि इसमें ट्रैक्टर जाने लायक स्थिति बनी थी, और मार्च के पहले तो उसमें कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि अभी कई काम उसमें हो सके अपना किसानी का, खेती का। गेहूं की फसल ले पाएंगे इसमें? नहीं ले पाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसी अगर खाली नहीं हुआ अभी, तो ये मान के चलो कि इसमें तो गर्मी में भी संभव नहीं है कि इसमें कुछ हो पाए, मूंग की फसल भी नहीं आना आएगी अगर ऐसी स्थिति रही तो। वो तो क्या है कि अगर पानी निकाल देते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा ऐसा बनता है कि मूंग आ सकती है, बाकी हाल फिलहाल में अभी की कंडीशन में तो गेहूँ भी मुश्किल है उसमें। क्या चाहते हैं किसान यहाँ के? इसमें तो ये है कि इसका कहीं ना कहीं निराकरण हो, जो अभी हमारी फसल खराब हुई है इसका मुआवजा दे। पहले तो वैसे ही प्रकृति ने कुछ मार दिया, कुछ प्रशासन अगर सहयोग कर दे तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर अब जैसा है किसान उसके हिसाब से संघर्ष कर रहा है। पानी भैया ये डैम से आ रहा है, डैम में पूरा रिसाव हो रहा है, डैम में करीब 2 महीने जब से डैम भरा है, जब से पानी चालू है 2 महीने हो गए हैं, और पिछले साल भी यही दिक्कत थी, तो पिछले साल तो थोड़ा कम भरा था, तो थोड़ी बहुत सोयाबीन हाथ में आ गई, तो इस साल तो पूरी सोयाबीन बर्बाद हो गई है। कौन सा डैम है ये? राजगढ़ परियोजना बांध। इसकी कोई शिकायत? इसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब को भी दी है, SDM साहब को भी दी है, तहसीलदार साहब को भी दी है, और जल संसाधन में भी दी है, वो भी एक बार ने दो बार दे दी है। कितने किसान पीड़ित है समस्या से? समस्या से तो सर अभी किसान चार पीड़ित है। कितना रकबा नुकसान हुआ होगा? कम से कम रकबा ये हुआ कम से कम 14-15 एकड़ जमीन, 14 हाँ, 10 तो मेरी खुद की जा रही है, खराब हो गई है, और ये पड़ोस वाले भाई की भी 1-2 एकड़ जमीन, उधर वाले भाई की 1-2 एकड़ है। ये पानी का कोई उचित उपाय नहीं कर पाए रोकथाम का? ये नहीं कर पाए ना, उनसे हुआ ही नहीं उचित रोकथाम। क्या करोगे आगे? कोई शिकायत आगे? आज तो हम अभी तो फसल की मुआवजे की मांग कर रहे हैं, इसके बाद अब क्या पानी वो क्या करते हैं, नहीं तो फिर अधिग्रहण करवाना पड़ेगी जमीन को। क्या नाम है आपका? धर्मचंद राठौर, सेमलिया। सर जो भाप मध्यम सिंचाई परियोजना है जी, यहाँ भी किसानों के खेत में से जल भराव की स्थिति जो बन रही है जी, और किसानों को मानना है कि डैम में रिसाव के कारण ऐसी हालात बन रहे हैं। आपने भी जांच दल के साथ वहाँ मौका मुआयना किया था, क्या स्थिति लगती है सर वहाँ? हम राजगढ़ जो है डैम मीडियम स्कीम है, इसको हम लोगों ने प्रथम बार 2022 में कम्प्लीट हुआ था, और अभी इस वर्ष 2024 में हम लोगों ने 319 के लेवल पे भरा हुआ है, और इसका FRL जो है वो 321.75 पे है, अभी 3.25 मीटर खाली है। और किसानों की ने मुझे भी अप्रोच किया था कि सर हमारे खेतों में पानी की जल भराव की समस्या है, उसको देखते हुए विगत सप्ताह मैंने भी दौरा किया था, और पिछले शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री तक बोर्ड ने भी अवगत कराया था, तो वो भी आए थे देखने के लिए। तो प्रथम दृष्टया जो है वो मेरा ऐसा मानना है कि किसानों की खेतों से जल निकासी जो है वो व्यवस्थित नहीं है। इस संबंध में संबंधित किसानों से भी मेरी मौके पर चर्चा हुई है, और मैंने उनसे कहा है कि आप अपनी जो वर्तमान फसल है उसको साफ़ कर लीजिए, उसके हम लेवल भी चेक कर लेंगे, और हमें कुछ 3-4 फीट चौड़ाई में ज़मीन दीजिए, तो हम व्यवस्थित रूप से खेतों की जल निकासी की व्यवस्था बना देंगे, तो जिससे उनकी जो आगामी फसल है उसमें किसी तरह का नुकसान होने से बच जाएंगे। और यदि इसके बाद भी निराकरण नहीं होता है, तो किसानों को मैंने अवगत करा दिया है कि आपकी परमानेंटली जो है हम भूमि को अधिग्रहित कर लेंगे, जिससे कि जो है वो शासन की जो है जो गाइडलाइन कृषि गाइडलाइन के दर पे उनको मुआवजा मिल जाएगा। किसान भी इस बात पर सहमत है, और फसल मुआवजे की जहाँ तक बात है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अनुमति दी है, और हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है वो संपत्ति किसानों का पटवारी महोदय द्वारा राजस्व विभाग के सहयोग से उसका जो आकलन करवा करके, और जो भी शासकीय
प्रक्रिया होगी, जिसके अनुसार जो है मुआवजे की जो है वो प्रकरण तैयार करके प्रस्तुत कर देंगे और राजस्व विभाग के माध्यम से उनका मुआवजा वितरण करवा देंगे।